हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और कम तेल में बनने वाला नाश्ता लेकर के आ चुकी हूँ। तो इस रेसिपी को जब भी आपको कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का मन हो तो आप बना करके ट्राई कर सकते हो। इस नाश्ता को बनाने के लिए आपको कुछ भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में रखे हुए सामान से आप इस नाश्ते को बना सकते हो। तो चलिए इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बॉईल किया हुआ आलू। तो आलू को मैं ग्रेट कर लेती हूँ ताकि आलू के कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और ग्रेटर भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब हम जो है ना, इसमें डाल देते हैं बारीक चॉप की हुई प्याज। तो प्याज अगर आप पसंद करते हो तो ज़रूर यूज़ करिएगा, और प्याज जो है कम ज़्यादा किया जा सकता है। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए हरी धनिया बारीक चॉप करके। इसी के साथ जो है ना, इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, नाश्ता स्पाइसी रहता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसी के साथ इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पर हम जो भी मसाला यूज़ करेंगे वो रोस्ट मसाला यूज़ करेंगे ताकि कच्चापन ना आए हमारी स्टफिंग में। इसी के साथ जो है इसमें डाल देने वाली हूँ मैं आधा चम्मच जीरा पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ जाती है। और साथ में जो है ना, हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहो तो अमचूर पाउडर की जगह पे नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। साथ में मैंने ऐड कर दिया है आधा चम्मच नमक। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा किया जा सकता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसे रख देंगे साइड में। और अब हम बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें ऐड करेंगे एक कप गेहूं का आटा। जिस गेहूं के आटे से हम रोटी बनाते हैं ना, वही वाला गेहूं का आटा है। साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा सूजी यानी सेमोलिना। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिर्फ जो है ना गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, या फिर आप सिर्फ सूजी से भी बना सकते हो इस नाश्ते को। मैंने दोनों चीज़ आधा आधा ले लिया है। साथ में आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और खट्टा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, लेकिन दही जो है ना सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैंने नींबू का रस यूज़ किया हुआ है। इसे बहुत ही बढ़िया खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है, इतना गाढ़ा हमारा बैटर होना चाहिए। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है चार कटोरी। कटोरी में हम लगा देंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल लगा देने से जो है ना, हमारा नाश्ता बर्तन को छोड़ करके जल्दी से बाहर निकल आता है। तो अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैटर। तो एक से डेढ़ चम्मच हम बैटर को ऐड करेंगे। हमारी कटोरी जो है ना आधी भरी हुई होनी चाहिए, पूरा फुल नहीं करेंगे हम बैटर से। तो इसी तरीके से चारों कटोरियों में हम जो है ना बैटर को डिवाइड कर देंगे, यानी बांट देंगे थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद जो है हम ले लेंगे स्टफिंग। जहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टफिंग लिया है, इसको गोल गोल करेंगे और टिक्की की तरीके से बना लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। और फिर स्टफिंग के बीचों बीच में रख करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये बढ़िया से हमारे बैटर में सेट हो गई है स्टफिंग। इसी तरीके से बाकी कटोरियों में भी ऐसे ही स्टफिंग को हम सेट कर देंगे। तो ये बढ़िया से सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं बैटर। बैटर को डालेंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। ये नाश्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, जो कि आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ, किन किन चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगी। आपको जब भी कुछ चटपटा सा खाने का मन हो, आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हो। तो चारों कटोरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे जो है ना भाप में पकाने के लिए चलेंगे। तो भाप में पकाने के लिए जो है ना, आपको एक ऐसा बर्तन ले लेना है जिसमें आपकी कटोरियाँ अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक कप पानी। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है।
पानी में हल्का सा जो है ना उबाल आने का आप वेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर उबाल आने का वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उबाल आने लगता है ना तो फिर गर्म लगता है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है बीचों बीच में एक जो है स्टैंड, स्टैंड के ऊपर जो है ना अब हम अपनी कटोरियों को उठा करके रखेंगे। तो एक बार में जो है ना यहाँ पर तीन कटोरियाँ सेट हो पा रही हैं, तो मैं तीन को रख दे रही हूँ। अच्छी तरह से सेट हो गया है तो कैप लगा करके जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पकने के लिए। 12 मिनट हो चुके हैं, तो आइए चेक करते हैं नाश्ता पक गया है कि नहीं। जैसे ही आप कैप उठाते हो ना, तो फिर ये जो है ना हल्का सा फूला फूला सा दिख रहा है और कटोरियों को छोड़ करके बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। फिर आप इसे जो है फ्लेम ऑफ करेंगे और बाहर निकाल करके रख लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे कटोरियों से बाहर निकाल लेंगे। तो कटोरियों से बाहर निकालने के लिए आप किसी भी चम्मच या नाइफ का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से निकल गया है और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर दिख रहा है। आप देख पा रहे हो कैसा दिख रहा है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से सारी कटोरियों से जो है ना हम नाश्ते को निकाल करके बाहर रख लेंगे। तो इसे निकालने का बिल्कुल भी जो है ना टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से निकल जाता है, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कैसे निकाल रही हूँ। सारा नाश्ता मैंने निकाल लिया है, आप चाहो तो इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो अपनी मनपसंद चटनी के साथ, या फिर आप इसे और ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाना चाहते हो। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने एक तावा लिया है और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल के गर्म होने का हम वेट करेंगे, फ्लेम लो रखेंगे इस प्रोसेस में, और ऑयल को जो है ना हम तावे पे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो ये तावे पे बढ़िया से मैंने ऑयल को फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा के साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच राई, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और फ्लेम लो रखेंगे, क्योंकि पता है राई जो है ना चिटकना शुरू हो जाती है। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हल्दी पाउडर डाल देने से कलर बहुत ही प्यारा सा दिखने लगता है। तो सभी चीज़ बढ़िया से मिक्स हो गया है, पक गया है, तो अब हम फ्लेम को जो है ना ऑफ़ कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बारीक चॉप करके लिया हुआ था, उसको भी डाल देंगे। और अब हम तावे के ऊपर अपने नाश्ते को रखेंगे और अलट पलट करके जो तड़का हमने तैयार किया है इसको पूरे नाश्ते के ऊपर सेट कर देंगे। तो ये बढ़िया से चारों तरफ घुमा घुमा करके मैंने जो है सेट किया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी करना है, अपने नाश्ते को घुमा घुमा करके अच्छी तरह से सेट कर देना है। इस तड़के को जब आप जो है ना नाश्ते के ऊपर सेट कर देते हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। आपने देखा इस रेसिपी में ना बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी चाहिए उनको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी में, बाय गाइज़।